खबरों की शुरुआत करते हैं चीन की टेक्नोलॉजी के कमाल से जुड़ी खबर के साथ। चीन ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन बनाने के बाद ऑटोनोमस स्काई ट्रेन तैयार की है। खास बात यह है कि चीन के ट्रांसपेरेंट ब्रिज की तरह इस ट्रेन के कोच भी ट्रांसपेरेंट है, यानी इस ट्रेन में सफर करने के दौरान यात्री पूरे शहर के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकेंगे। इस ट्रेन का वीडियो वायरल हो रहा है। स्काई ट्रेन डाई एयर रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी द सस्पेंशन रेलवे पर आधारित है। यानी ये ट्रेन जमीन पर नहीं बल्कि हवा में बिछाई गई रेल लाइन से लटकती हुई आगे बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम चीन के चेंगदू में बैटरी से चलने वाली स्काई ट्रेन चली है, तो इसका वीडियो शेयर किया गया। स्काई ट्रेन की खासियत ये भी है कि इसके कोच की खिड़कियां और फर्श कांच का है, जिससे यात्री 270 डिग्री तक ट्रेन के बाहर के नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रेन की एक खासियत ये भी है कि ट्रेन के डिब्बों को काफी हद तक जॉइंट पांडा का रूप दिया गया है। वहीं स्पीड की बात करें तो इस ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो एक बार में अधिकतम 120 लोगों को ले जाने में सक्षम है। दूसरी खबर जर्मनी की एक रिसर्च को लेकर है। आज की महामारी और स्ट्रेस भरी लाइफस्टाइल से मृत्यु दर में इजाफा हो रहा है। ऐसे में नए शोध में जो दावा किया गया है वो हैरान करने वाला है। बायसियन सिद्धांत पर आधारित इंसान की औसत आयु को लेकर हुए शोध से पता चलता है कि भविष्य में इंसान की उम्र कई साल बढ़ने वाली है। दावा किया गया है कि इंसान करीब 125 से 130 साल तक जी सकेगा। जर्मनी में मैक्स प्लैंक संस्थान की तरफ से बनाए गए दीर्घायु अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस का इस्तेमाल करके ये गणना की गई है। इस शोध में कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ यूके समेत 10 यूरोपीय देशों के सुपर सेंटेनेरियन को ट्रैक किया गया है। शोधकर्ताओं ने 2020 से 21 तक सभी 13 देशों में मृत्यु दर की अधिकतम उम्र के अनुमानों पर काम किया। ये रिसर्च बताती है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो 130 साल तक जीवित रहेंगे। हाल में बेहद बुजुर्ग लोगों के एक विशेष समूह पर अध्ययन किया गया, जिसने सुपर सेंटेनेरियन यानी 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों का विश्लेषण किया। इस अध्ययन से पता चलता है कि ज्यादातर लोग इस आयु वर्ग के ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में लोगों की औसतन आयु बढ़ रही है। वजह है लोगों को अच्छा भोजन और स्वास्थ्य देखभाल की बेहतर सुविधाएं मिलना। रिसर्च में कहा गया है कि लाइफस्टाइल और खान पान के तौर तरीके शुरू से ही सही रखे जाएं तो उम्र में इजाफा होगा। ऐसे में इंसान के पास ज्यादा सालों तक एनर्जी रहेगी और वो 100 की उम्र से नीचे होने पर एकदम बूढ़ा भी नहीं लगेगा। यूक्रेन में 10 साल की उस लड़की की मौत हो गई जिसका शरीर 80 साल जैसी बुजुर्ग की तरह हो गया था। इस लड़की की मौत से कला प्रेमियों को काफी आघात लगा है। दोनों हाथों से पेंटिंग करने में इस लड़की को महारत हासिल थी। डॉक्टरों का दावा है कि ये लड़की एक ऐसी लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी जिसके पूरी दुनिया में महज 179 मरीज हैं। यूक्रेन की रहने वाली इस 10 साल की लड़की का नाम इरीना इरोचका खिमिज था। इरीना प्रोजेरिया नाम की दुर्लभ बीमारी का शिकार थी, जो उसकी उम्र को सामान्य दर से 8 गुना ज्यादा कर रही थी। डॉक्टरों का कहना है कि कलाकार इरीना की उम्र महज 10 साल थी, लेकिन उसका शरीर 80 साल की उम्र में था। अपने छोटे से जीवन में वह एक प्रतिभाशाली कलाकार बनने और अपने काम का प्रदर्शन करने में सफल रही। लड़की की मां दीना ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि इरोचका का निधन हो गया। उसने बताया कि इरोचका ने पेरिस जाने का सपना देखा था, जहां उसकी प्रभावशाली कलाकृति को प्रदर्शित करने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। न्यूज़ तक ब्यूरो।